याद है वैलेंटाइंस डे वाले दिन मुझे तुम प्रपोज करने आए थे ना? मैं उसी वक्त जान गई थी, तुम्हें वेट करवाया एज आई वांटेड टू डू इट माय वे। तो आई लव यू कार्तिक। माँ जी, खाना खा लिया माँ? ये क्या है वो? नहीं तो पापा। बैठो बैठ ना। इसे देखकर तो केशव मुखर्जी याद आ रहा है। किस्मत फूटी मेरी जी। हाँ, शालू आई थी। क्या शालू आई थी? पूरी बात सुनो। इतने आदर के साथ हमें बुलाया और हमने मना कर दिया। पापा, जब मम्मी को देखने गए थे तो आपको उनमें क्या अच्छा लगा था? बेमानी सवाल है, देखते ही फायदा हो गया। लव की निशानी तुम दोनों हो। पहले जवाब से ही समझ आ जाता। आप बताओ, आप मुझे देखने आए थे तो आपको क्या अच्छा लगा था? तुम्हारा घर। हाँ? घर में रहने वाले लोग पसंद आए। आपको मैं भी अच्छी लगी थी ना? हमने जिनसे प्यार किया उन्हीं के साथ हम रह रहे हैं ना? तो कार्तिक को भी ये हक मिलना चाहिए ना? हाँ। पापा, कार्तिक शालू को पसंद नहीं करता है। एक बेटी की शादी करवाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपकी बेटी हीरा है, पता नहीं उसने क्यों मना कर दिया। बच्चे अब मैच्योर्ड हो चुके हैं, समझदार हैं। हम अपना निर्णय उन पे नहीं थोप सकते। बहुत बड़े धर्म संकट में फंसे हैं। सच्चे मन से आपसे माफी मांगने आए हैं ताकि। आपकी दुविधा समझ रहा हूँ, लेकिन अपनी मासूम बेटी को कैसे समझाऊं? क्यों रे कार्तिक, तूने कहा था हमारी पसंद की लड़की से शादी करेगा और अब इतनी अच्छी लड़की को तूने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा क्यों किया बेटा? ऐसी कोई क्या कारण है पता नहीं। माँ, बात मत कर मुझसे। सॉरी माँ। सुनो, मम्मी इमोशनली अपसेट हैं। शादी तुम्हें करनी है, हम आशीर्वाद दे देंगे। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, सोच समझ कर फैसला करना। गुड नाइट। सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है, एक चाय की जरूरत है। तू भी मेरे साथ पिएगा क्या? इश्क के बारे में मत पूछो, वो बिल्कुल इस चाय के गिलास की तरह है। और लड़कियां इसके अंदर की कड़क चाय है और लड़के इस मीठे बिस्किट की तरह। तो गर्मा गर्म चाय और उसमें बिस्किट मिलाया जाए तो क्या होगा? बिस्किट का हाल बेहाल। एक बात याद रखना, ट्रूथ अबाउट द गर्ल्स, लड़कियों से कभी सवाल नहीं करने का। आज दुपट्टा क्यों नहीं पहना? छोटी बहन का नाम क्या है? शादी कब करने वाली हो? और उसकी उम्र कितनी है? अगर ये पूछते हैं तो तुम्हारी उम्र घटने के फुल चांसेस हैं। सुखी जीवन जीने का एक ही मूल मंत्र देता हूँ, बिगड़ेल गाय के सामने जाओगे तो उसके सींगों में अटक जाओगे। मुर्गी को पकड़ना या लड़की को पकड़ना बला की आफत है, इंसान को टकला कर देती है। या कैसे नवा मुर्गा, ये बैल है, देखते हैं। सी यू। घंटों के एग्जामिनेशन के बाद एक ही नतीजे पे पहुंचा। वो क्या डॉक्टर? कि तू लाइफ में सच नहीं बोला, झूठ का एटीएम है, तेरा हट के ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अरे फटी हुई चड्डी सर। हाँ, ला इधर रख दे, ये बाल केनिया में जाके कटा था। अरे कहीं रहना, ये ले, गरम है। ये क्या है डॉक्टर? ये है मिकी मिनिटॉप मिक्सचर टॉनिक। एक विद्वान डॉक्टर ने कहा है कि ये पीने से हर मरीज ठीक हो जाता है। कौन विद्वान डॉक्टर? डॉक्टर की पीठ मेरी तरफ थी, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। क्या झिंगर जैसे सवाल पूछता है, तेरे हाथ में दिया ना, एक बार में घटक जा। कम ऑन, पी जा, बेवड़े जैसा लुक आना चाहिए। आहा, खलबली मची ना।
एक नंबर, दोनों आंखों के शटर फड़फड़ाने लगे ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब तू जा रहा है सपनों की दुनिया में, जहाँ सच की नदियाँ बहती है। हकीकत बता, कौन ज्यादा प्यारी है, शालू या स्वीटी? कमॉन, जबान पे सच आ गया है, बोल दे, बोल दे, बोल ना, बोल दे, बोल, बोल, बोल। Hey guys, are you ready? Let's take. डॉक्टर, डॉक्टर, मैं आ गया। तू सो रहा था ना, तो चाय पी के आ गया। बता, किसके साथ डांस किया? शालू थी या स्वीटी थी? इनमें से किसी के साथ नहीं, एक हॉट मॉडल के साथ। वाहियात, निर्लज, बेशरम, बेहया। डॉक्टर, एक फिजियोलॉजी का सवाल पूछूं? एग्जाम ले रहा है, चल पूछ। लवर्स हों या हस्बैंड वाइफ हों या फिर किसी भी जोड़े को ले लो, औरतें दबा के शॉपिंग करती हैं और बिल आदमी भरते हैं। शॉर्ट फिल्म की तरह शॉर्ट में समझाना, 3 घंटे की आर्ट फिल्म की तरह खींच क्यों रहा है? पता है, आज सुबह जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, 50% सेल की एक एड देखी, मैं जानता था शालू वहाँ लाइन में जरूर खड़ी होगी। उसे कंजूस समझता है क्या? नहीं, पता नहीं क्यों एक गट फीलिंग आई। सेल कमजोर नब्ज है। शालू, सॉरी शालू, अकेले में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कार्तिक, बिजी हूँ, टाइम नहीं है। प्लीज प्लीज शालू, मान जाओ ना, यहाँ बहुत भीड़ है, कहीं और चलते ना शालू, प्लीज मान जाओ, प्लीज शालू। देखो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कहो क्या कहना है? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? ओके, मैं जाती हूं। शालू रुको, बैठो। किस बात पे गुस्सा हो तुम मुझसे? हाँ, इस कंफ्यूजन का जिम्मेदार मैं हूं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि अब तो सब कुछ साफ हो गया। तुम्हारी फैमिली इतनी रूड हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? समझा क्या इन्होंने? बेटा मैं, अरे मेरी बड़बोली दीदी, मेरी दीदी की गलती की सजा मुझे क्यों मिल रही है? ये अनफेयर है शालू। रहने दो कार्तिक, बात अब हाथ से निकल चुकी है। उस दिन वहाँ जो कुछ हुआ और मेरे परिवार पर जो बीती ना, अगर तुम वहां होते तो। सर, बिल। ओके। शालू, शादी कर लें क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें भी मुझसे प्यार है, जानता हूं। मेरी बात का जवाब दो शालू। ये नॉनसेंस दिमाग से निकाल दो, जा रही हूं मैं। शालू, 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 ए रुको रुको, सुनो रुको। सॉरी, तुम बहुत भारी हो। शालू, क्या क्या है? क्या? सॉरी कार्तिक, आई एम सो सॉरी। कार्तिक, क्या? हाँ, शालू, भाग के शादी कर ले क्या? ये नहीं।
नहीं हो सकता कार्तिक। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? एक्सक्यूज मी। जी मैडम। टिश्यू देना। वन सेकेंड मैम, ये लीजिए। थैंक यू। ए, कुछ देखा तो नहीं? देखा देखा, आंखें फाड़ के देखा। हेलो। यस मैम। एक और देना। ए, शालू पसंद नहीं थी ना तुम्हें? फिर वो चूमा चाटी क्या था वो? दीदी, मैं शालू से प्यार करता हूँ। उस दिन स्वीटी का नाम लिया था ना? वो भी सच है। तो फिर आज शालू? हाँ, आज की डेट में सिर्फ शालू ही मेरा लव है। Are you sure, कार्तिक? Excuse me, पूरा टेबल क्लॉथ लाना प्लीज। दीदी, टेबल क्लॉथ क्यों चाहिए? नीचे कुछ गिराया क्या? रायता फैला है फर्श पर। आज पापा से स्वीटी की बात की। सत्यानाश। इतनी रात हो गई और सफाई चालू है। दीदी को यहीं से आदत लगी है। माँ, आपका मुंह क्यों सूजा हुआ है? माँ, 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 मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो ना माँ। माँ। हे कार्तिक, आ गया। सुकून का दूसरा नाम है स्वीटी। गजब का नशा है, कमाल की ब्यूटी। वाह वाह। ससुर जी, सुपर सिंगिंग दामाद। थैंक यू। एक और स्वीट पैक बनाओ। क्यों नहीं बनाओ। कार्तिक, धोनी को सिक्सर मारते देखा होगा, मुझको भी सिक्सर मारते देखा होगा। कब मारा रे? गली क्रिकेट में। पर असली सिक्सर तो आज तेरी बहन ने मारा। पापा, आप मुझे एक बात बताइए, इडली हो या डोसा, पोहा या उपमा, कितना खा सकते हैं? लाइफ में फर्स्ट टाइम हम दोनों एक वेव लेंथ पर हैं। बोलो मत, डायलॉग भूल जाऊंगी। हलवा पूरी, भेल पूरी, पानी पूरी, कभी कभी टेस्ट भी बदलना चाहिए ना। सुन के मुंह में पानी आ गया। प्लीज डोंट डिस्टर्ब, यू कैरी ऑन। कहो तो होटल चलकर खाएं। होटल ही घर आ जाए तो? दिमाग खराब है क्या? पापा, कार्तिक को कुकिंग एक्सपर्ट स्वीटी से लव हो गया। डियर वाइफ, जितने गली में नहीं उससे ज्यादा यहाँ है। फोन करके अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते थे क्या तुम लोग? इतने डॉगीज हैं। लड़की के पापा शिप पर कैप्टन हैं। अपने पीछे ये डॉगीज रखवाले के लिए रखे होंगे ना? अलका, शोर यही घर है। प्लॉट नंबर तो करेक्ट है। दामाद जी, पहले आप जाइए, हम पीछे पीछे आ जाएंगे। हाँ, डॉगीज को हड्डी पसंद है, ये दिखते भी वैसे हैं। हे, एक साथ अटैक करेंगे। ए, क्रिकेट आईपीएल नहीं है। हे, बाउंड्री लाइन पर कैच पकड़ा, आउट कर दिया। सर, एक्सक्यूज मी। सर, हेलो। ये क्या, डोनेशन मांगने पूरी फैमिली एक साथ आ गई? बच्चे डर जाएंगे। चलो आगे, चलो आगे, जाओ आगे जाओ। कार्तिक ने इज्जत का कचरा कर दिया। कार्तिक ने डोनेशन के लिए भेजा है? नहीं सर, हम लड़की देखने आए हैं। अरे गलती हो गया रे, बाप रे। आइए आइए आइए। अरे दरवाजा है ना, कूदने की जरूरत नहीं है, कहीं कुत्तों ने देख लिया तो काट लेंगे। हमेशा चढ़ने की जल्दी होती है। अंदर आइए प्लीज। नमस्ते। 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 आप स्पिन बॉलर है क्या? आपको कैसे पता चला? बहुत विकेट लिए होंगे, देखिए तो आपका फेस कट ही मुरलीधरन जैसा है एकदम, बस एक फर्क है।
वो थोड़ा सा काला है, ये जरा गोरे हैं। मेरा बेटा कार्तिक। He is such a cute boy. कार्तिक और स्वीटी पहली बार अंदर रूम में मिले और उसी वक्त पावर चला गया। मतलब यहाँ डिनर ब्रेकफास्ट भी करके गया क्या? ये क्या खुशी खुशी कर रही है? बोल रहे हैं कि कार्तिक ब्रेकफास्ट करके गया ना? तीन वक्त का खाना खा के गया। हाँ समझ नहीं आ रहा बात को किस तरह शुरू करूं। अरे कॉफी पे बड़ी बड़ी चर्चा होती है। ब्यूटी कॉफी लेके आना। ब्यूटी ब्यूटी चुप। वाह कार्तिक की सिलेक्शन तो सुपर से ऊपर है। लीजिए ना। ओ स्वीटी नहीं उसकी माँ है। हेलो आंटी। हेलो। कड़क कॉफी पीते हैं ना? लीजिए। हेलो आप भी लीजिए। थैंक यू। कॉफी? हाँ तो बताइए। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे शुरुआत करूँ। मैं एक वकील हूँ और जाति धर्म मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। अच्छी बात है। मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ उसमें फैमिली का पूरा सपोर्ट होता है। क्या कहती है? बिल्कुल थोड़े धार्मिक है हम, पूजा पाठ करने वाले। आपकी स्वीटी भी विश्वास? भगवान में विश्वास। स्वीटी बहुत ही गॉड फियरिंग लड़की है। आज फ्राइडे है ना, वो मौन व्रत धारण करती है, गलती से भी मुंह नहीं खोलेगी, है ना? हाँ जी। स्वीटी बेटा मैं बुला के आओ उसे। आशीर्वाद ले लो। हमेशा खुश रहो बेटा। इनसे इनसे भी ले। अरे नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है। सुखी रहो। बैठ जाओ। शादी से पहले तुम भी मेरे पैर छूती थी, अब उल्टा मुझसे ही रात भर पैर दबाती हो। कार्तिक की किस्मत अच्छी है। ये इतना शरीफ भी है मुझे तो पता ही नहीं था। करेक्ट ससुर जी। अपने पापा के सामने शर्मा रहा है। करेक्ट ससुर जी। वो लड़की किसी फिल्म की हीरोइन लगती है। मॉडल मापिक है। और वो उनकी फैमिली क्या संस्कारी लोग हैं। सही कहा ससुर जी। ऐसा अच्छा रिश्ता तो हम चिराग लेके भी नहीं ढूंढ सकते थे। लाखों में एक रिश्ता है, जोरी की नजर है, मेरी तरह नहीं है। क्या मतलब? कुछ भी तो नहीं है। क्या है? उस लड़की के पापा सुपर। आप अच्छे इंसान को अपना रिश्तेदार बनाना चाहेंगे जैसे मुझे, तो उन्हें भी अपने साथ रहने के लिए बुलवा लो। क्या बात की है।